हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं जिला कमांडेंट होमगार्ड्स। मैं आप सब लोग को बधाई देना चाहता हूँ जिनको भी इंटरव्यू कॉल आई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो टेस्ट का नॉलेज का जो टेस्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि ये भी पूछेगा वही पूछेगा। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो चीज़ें चल रही हैं करंट में उसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स हैं, यूपीपीएससी के इंटरव्यू में फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं जो कि आप नॉर्मली इग्नोर करते थे पहले, बट इसमें पूछे जा सकते हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि जो भी आपने टेस्ट दिया है मेंस का, उसमें जो कुछ भी आप नॉलेज लिख के आए हैं वो सबका लेवल सेम है। इंटरव्यू सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उसमें इंटरव्यू का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि नॉलेज टेस्ट करना है, इंटरव्यू का पर्पज ये है कि आप उस नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं लाइफ में। नॉर्मली जो हम इंटरव्यू के लिए सोच के जाते हैं कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पूछी ही जाए, बट अपने तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं हम मैक्सिमम एंटिसिपेट करें, मैक्सिमम कंटेम्पलेट करें कि ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो हम पहले से प्रिपेयर होके जाएँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे आपको जो आपको वहीं पर डिसाइड करने होंगे, जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, बट हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको टाइम से पहले कुछ कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आया है, मेंस हमने क्लियर किया है, तो जो नॉलेज की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं होगी। जो आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नॉलेज की बेस पे नहीं पूछे जाते हैं, जिनका मेन फोकस होता है आप उस नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पर्सनलाइज करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसका एप्लीकेशन पूछते हैं लाइफ में। आपकी डिलीवरी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी डिलीवरी कैसी है, आपकी सिचुएशन हैंडलिंग कैसी है। तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन का जो मेन आइडिया होता है वो ये होता है, ना कि नॉलेज पर से। बट अनडाउटेडली नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट सेल थ्रू द इंटरव्यू। जब आप रूम में घुसते हो तो सबसे पहले आपको विश करना है, जो जो भी चेयर पर्सन है उसको विश करना है, और अगर वो जितने भी लोग मेंबर्स बैठे हैं उनको विश करना है, और जब तक तो बोला ना जाए तब तक तो बैठना नहीं है। और अगर वो बोलते हैं कि ओके प्लीज सिट, तो आपको धीरे से कुर्सी उठा के आराम से बैठना है, और बैठने का जो तरीका है आपको अपने हाथ ऊपर नहीं रखने हैं, पैर पे रखना है, और बात करते समय मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। जो भी पूछा जाए आराम से बताना है, डिलीबरेट होकर बताना है। नॉर्मली पहला क्वेश्चन ये होता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि उनके पास कोई आपके पास नॉलेज, उनके पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है पहले से, यूपीएससी की तरह डैफ नहीं होता उनके पास, उनके पास एक कोड होता है। तो जब वो पूछते हैं टेल अस अबाउट योर सेल्फ, या आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बता सकें, तो नाम अपना अवॉइड कीजिए बताना, बट अगर वो पूछते हैं तो नाम बताना ही पड़ेगा, बट अपनी तरफ से कोशिश कीजिए नाम मत बताइए। बाकी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं आप, जैसे स्कूलिंग कहाँ से करी, हायर एजुकेशन कहाँ से किया, और आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट हो, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट हो किसी के पास, किसी ने एनएसएस कर रखा हो, किसी ने स्काउट कर रखा हो, किसी के पास किसी स्पोर्ट्स का, चाहे नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट हो वो बता सकते हैं, किसी ने कोई एडवेंचरस एक्टिविटी कर रखी है, जैसे माउंटेनिंग कर रखी है, साइकिलिंग कर रखी है, और किसी इवेंट पार्टी को तो बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में जरूर बताइए, चाहे आर्ट का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे किसी भी कल्चरल एक्टिविटी का हो। अपनी हॉबीज़ के बारे में जरूर बताइए, अपने इंटरेस्ट के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि आपके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आप बताएंगे वही उसको वो मानते हैं। और मैक्सिमम अपने बारे में बताइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बारे में बना सकें, और उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से जॉब कर रहे होंगे, तो उनके लिए बट नेचुरल क्वेश्चन ये बनता है कि आप उस जॉब से यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो जनरली इसी तरीके से होंगे कि उस जॉब का नेचर डिफरेंट था, उसका वहाँ का टेम्परमेंट अलग था, मेरा एप्टीट्यूड अलग है, ग्रेड पे का डिफरेंस है, वहाँ के प्रमोशन एवेन्यूज का डिफरेंस है, स्टेबिलिटी का डिफरेंस है, सोशल प्रेस्टीज का डिफरेंस है, ये सब चीज़ें मिला के आप एक आंसर बना सकते हैं। आप अपने नाम के बारे में जरूर जानिए, उसका मतलब क्या है, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। उस नाम से अगर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया में या बाहर तो ज़रूर जानिए, क्योंकि उसके बारे में पूछा जा सकता है। और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज़रूर जानिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानिए, उस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, क्योंकि यूपी में ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हैं वो हिस्टोरिकल हैं, सबके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रही है, सबका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रहा है, और वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में फेमस चीज़ें जरूर जानिए, वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से जानिए कि वहाँ पर क्या चीज़ें फेमस हैं, तो वेबसाइट पर जाके आप जानकारी ले सकते हैं। यूपी के बारे में जानिए कि यूपी पहले क्या नाम था, कब बना, कब उत्तर प्रदेश बना, किस ईयर में बना,
इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, इसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अभी नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर जानिए। और आपका डिस्ट्रिक्ट से जो भी लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स, एमपीज एंड एमएलएज हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसके बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशंस हैं, वो जरूर ध्यान रखिए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप टॉपिक जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि राज्यसभा टीवी पे जो बिग पिक्चर आता है उसका डिस्कशन को सुन सकते हैं, ताकि आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक ऐसे रहे हैं जो डिस्कशन में रहे हैं, ताकि जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है वो हैंडल हो जाएंगे वहाँ से। अगला क्वेश्चन होता है कि कुछ कुछ वो टर्म्स पूछ सकते हैं आपसे कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, सिंपैथी एम्पैथी के बीच में क्या डिफरेंस है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के बीच में क्या डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये टर्म्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस सब चीज़ों के बारे में निटीज एंगटीज पता होना चाहिए कि इसके इसके बीच डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सारे टर्म्स ऐसे हैं जो लगते हैं एक जैसे हैं बट उसको एक्सप्लेन करेंगे तो डिफरेंस होता है, तो वो आपको जानना है। अगला क्वेश्चन होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जिस डोमेन में एंटर करने जा रहे हैं वहां पर आपके पास बहुत सारा प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है, आपके डिपार्टमेंट का प्रेशर होता है, सीनियर्स का प्रेशर होता है, सबऑर्डिनेट्स की मैनेज करना होता है, पब्लिक प्रेशर होता है, और आपके खुद के कन्विक्शंस एंड एटीट्यूड्स होते हैं। तो इन सबको मैनेज करके आपको एक ऐसा रैशनल डिसीजन लेना है जिससे पब्लिक सर्विस और पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो। तो इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का जो क्वेश्चन है इसके लिए आप तैयार रहिए, ये पूछा जा सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन नॉर्मली ये होता है कि फैक्ट ज्यादा पूछा जाता है या ओपिनियन ज्यादा पूछा जाता है। यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में पहले फैक्ट तो बहुत ज्यादा वेटेज होता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो फैक्ट्स तैयार रखिए, 3-4 महीने के जो फैक्ट्स हैं, अवार्ड्स किसको मिले, कौन कहाँ पे चीफ गेस्ट था, कौन हल्के फिर जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। डेट्स याद रखने, कुछ नए 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 डे याद चला रहे हैं कि ये डे है वो डे है, तो उसको याद रखिए आप। लेकिन अगर कोई फैक्ट नहीं पता है तो फील फ्री टू से नो, बी पोलाइट इनफ एंड से नो, बी ऑनेस्ट। अगर कोई चीज़ पता है तो उसको फुल कन्विक्शन के साथ बोलना है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। फैक्ट जानने का मतलब हमका ये नहीं होता कि आप जानते कि नहीं जानते, बट ये होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस फैक्ट को लेके हैं। दूसरा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस होती हैं, उसको आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट उसका जो इंटेंशन है, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन टू दी पब्लिक सर्विस, कोशिश कीजिए क्रिटिसाइज मत कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो टेक अ मिडिल पार्ट, डोंट बी जजमेंटल, टेक अ मिडिल पार्ट कि सर आप किसी को बी न्यूट्रल, ट्राई टू बी न्यूट्रल। आपकी जो ओपिनियन है वो ओवरऑल ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक हैं, आप अंदर से सेकुलर हैं, आप सोशलिस्ट हैं, आप इंडिया की इंटीग्रिटी को बनाए रखना चाहते हैं, आप ट्रूली पैट्रियाटिक हैं, आपके अंदर सिंपैथी है, पब्लिक सर्विस ड्रिवन आदमी है आपके अंदर कंपैशन है। तो ये ओवरऑल जो इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू का, जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो यही जाता है कि आप क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में। अगला क्वेश्चन होता है प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है कि आपने एसडीएम पहले क्यों भरा, डिप्टी एसपी क्यों सेकंड में भरा, या वाइस वर्सा। जो प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके व्यूज डिफर कर सकते हैं, बट ज़्यादातर वो लोग क्वेश्चन एसडीएम डिप्टी एसपी या ऊपर के 4-5 चॉइसेस में पूछते हैं वो लोग। तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपने एसडीएम भरा है तो क्यों भरा है, आपने डिप्टी एसपी पहले भरा है तो क्यों भरा है। ऑल आर इक्वली जस्टिफाइड, नो आंसर कैन बी परफेक्ट आंसर, यू हैव टू जस्टिफाई योर प्रेफरेंस, जस्ट दैट्स इट। अगर आपने एसडीएम भरा है तो आप बता सकते हैं कि इसकी एसडीएम इसलिए भरा है क्योंकि ये अथॉरिटी अथॉरिटी ज़्यादा है, डायनेमिक है, पब्लिक सर्विस है, और उनके पास पावर ज़्यादा होती हैं, सोशल प्रेसिस ज़्यादा है, इस तरीके से आप भर सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग जॉब पसंद है, ये डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स ऑफर करता है, सर्विस ऑफर करता है ये एसडीएम, तो आप इसी से बता सकते हैं। आपको डिप्टी एसपी अगर आपने पहले भरा है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का क्रेज है, आपको यूनिफॉर्म सर्विसेज जाने का क्रेज है, और पब्लिक सर्विस भी है एक तरीके से, और आप जनता के टच में रहते हैं, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ये वर्क सेटिस्फैक्शन आता है आपको इस तरीके से। तो आप हर आदमी का अपना अलग एक तरीके से प्रेफरेंस को जस्टिफाई करने का रीजन हो सकता है, तो इस तरीके से बता सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि बेसिक ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो बेसिक ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स में ये हो सकती हैं कि जो आपकी इंटीग्रिटी है, जो डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें जो बेसिक ट्रेड्स होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब होनी चाहिए एज अ पब्लिक सर्वेंट। और उसका जो
जो मोटिवेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट। डिसीजन लेने से पहले उसको जरूर ध्यान देना चाहिए कि ही शुड बी ए वेरी गुड लिसनर ना। आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, इंटरव्यू में भी आपको यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। आप चीज़ों को सुनिए पहले, आप हर चीज़ नहीं जानते हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग करके आए हैं, आप हर चीज़ नहीं जान सकते। तो पहले आप जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप सुनिए, जानिए, तब कोई डिसीजन लीजिए। तो रैशनल डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो कोशिश कीजिए, लिसनिंग हैबिट अपनी बढ़ाइए। कुछ क्वेश्चंस, कुछ लोगों से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर किसी पूछा गया तो कि सपोज आप SDM हैं, आपको किसी भीड़ ने घेर लिया तो आप क्या करेंगे। अगर आप DSP हैं, आपको क्राउड का कंट्रोल करना तो क्या करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको वही चीज़ें बोलनी है जो रूल बेस्ड है, जो SOP है। ओके, आपको किसी आउट ऑफ द वे जाके किसी चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं लेना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि रूल में लिखा हुआ ही नहीं है। तो हर चीज़ का एक SOP बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्राउड कंट्रोल करना है तो क्राउड कंट्रोल का एक SOP होता है, जिसे मॉब मॉब कंट्रोल बोलते हैं, जिसे हिंदी में बलवा ड्रिल बोलते हैं। तो आप DSP हैं, मॉब कंट्रोल करना है, तो आपको बलवा ड्रिल की जितने प्रोटोकॉल्स हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, आप SOP फॉलो कीजिए, रूल फॉलो कीजिए। आप सीनियर से पूछ सकते हैं गाइडेंस के लिए ना। आपको रैशनल होना है, आपको ऐसे सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करना है। आपको ओवरटली इमोशनल नहीं होना है, आपको ओवरटली रैशनल नहीं होना है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का फेयर मिक्सचर यूज़ करना है, जिससे कि आप अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर गैप बहुत ज़्यादा हो गया है तो बहुत नेगेटिव होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, गैप पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके बारे में नेगेटिव ओपिनियन बनाने वाले हैं। गैप, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका 7-7 साल, 8-8 साल का गैप हुआ है, बट उसके बावजूद वो SDM बने हैं। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट एंड बी रेडी टू आंसर योर गैप ईयर्स। आपका आंसर जनरली हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे थे, आपको एकेडमिक डिग्री हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, आप मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, किसी को फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, प्रिपरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रिपरेशन कर रहे थे नहीं हो रहा था सिलेक्शन, हो सकता है कोई जॉब कर रहे हो। तो इससे बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर गैप है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऑनेस्टली बताइए, इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने जो ग्रेजुएशन है या UG है, आपने इंजीनियरिंग से करी या मेडिकल से करा या अलग अलग फील्ड से करा, बट आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। नॉर्मली इंजीनियर्स के सामने ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं वो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि जो सोशल सिविल सर्विसेज का जो मेन जो चार्म है, वो इस वजह से लोग आना चाहते हैं क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा वास्ट है, डायनामिक है, सोशल प्रेस्टीज है, अथॉरिटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि इसका मतलब आपकी जो पढ़ाई थी उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, इंजीनियरिंग में आप प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करते हो, उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। यही काम आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी करना है, तो इसका बहुत यूज़ है। तो आप इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। ओवरऑल जो क्रक्स होता है इंटरव्यू का, वो इस बात पे नहीं होता है कि आप कितना जानते हैं चीज़ों के बारे में। ओवरऑल जो जो उनका इंटेंशन होता है वो ये होता है कि आप जो चीज़ें जानते हैं क्या वो पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या क्या आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है जिसके लिए जो जॉब के लिए सूटेबल हो। ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप पब्लिक को लीड करने का क्या कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितना कन्विक्शन है, आपकी जो एटीट्यूड है कितना पॉजिटिव है, और आपका जो टेम्परामेंट है क्या वो इस तरीके का है कि पब्लिक सर्विस में आप लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको आप अच्छा कर सकते हैं, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो ओवरऑल कंसेप्ट है यही होता है इंटरव्यू का। ये नॉलेज टेस्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि दैट हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड एंड यू ऑल आर क्वालिफाइड। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। और जो भी मदद होगी मेरे साइड से, आगे से अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।